नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। नगर निगम विरासत संरक्षण समिति अध्यक्ष मदन दवे ने बुधवार को आपात बैठक आयोजित कर सूरजपुल चौराहे पर विदेशी और अरबी भाषाओं की तस्वीरों को हटाने की मांग की है। इसको लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। नगर निगम विरासत संरक्षण समिति अध्यक्ष मदन दवे ने बताया कि सोमवार को शहरवासियों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि सूरजपुल मुख्य द्वार पर, जिसका अभी हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया था, वहाँ पर विदेशी भाषाओं की तस्वीरें लगा रखी है। इसके विरोध में बुधवार को आकस्मिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मनोहर चौधरी, अरविंद जारोली, मुकेश शर्मा, भरत जोशी, हीरा देवी मीणा आदि सदस्य उपस्थित रहे। उपस्थित सदस्यों ने एक बैठक में तय किया कि यह कार्य असहनीय है और इन विवादित तस्वीरों को जल्द से जल्द हटाने को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाए। ज्ञापन में लिखा गया कि उदयपुर में सभी पुराने ऐतिहासिक दरवाजे बने हुए हैं, उन दरवाजों पर सांस्कृतिक केंद्र विभाग द्वारा विदेशी भाषाओं की पेंटिंग लगाई जा रही है, जो मेवाड़ के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ज्ञापन में मांग की गई कि अगर पेंटिंग लगवानी ही है तो मेवाड़ राजवंश के राजाओं महाराजाओं के इतिहास व मेवाड़ के लाड़ले जो वतन पर शहीद हुए उनके फ़ोटो लगवाने चाहिए। जो भी विदेशी भाषाओं की पेंटिंग लगाई गई है उन्हें तुरंत हटवाने का आदेश जारी किया जाए। इस बात को तर्कसंगत मानते हुए उदयपुर नगर निगम के महापौर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ से आज इस ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए सारी ही विदेशी भाषाओं की तस्वीरों को सूरजपोल से हटवा दिया गया है।